ये एक टनल है ना यहाँ पे बीच में, वरना ये और भी लंबा ऊपर से पहाड़ी से होता हुआ जाना पड़ता था। इस बार जो है हल्की हल्की बारिश आ रही थी, फिर भी सोचा कि यार आए तो उड़ा ही लेते हैं। मैं वहाँ से नीचे से ऊपर तक आया, बोला यार नहीं चाहिए बारिश के अंदर, फिर कुछ दिक्कत हो जाएगी ड्रोन में। फिर जब यहाँ पे ऊपर आया तो हल्की सी कम लाइट। हेलो व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग। तो भाई अभी है हम दिरांग के अंदर, और दिरांग से जना अभी जा रहे हैं हम तेजपुर। ये रिटर्न रूट होगा, जिस रूट से हम आए थे ना उसी रूट से होते हुए जाएंगे, और बीच में बमडीला मिलेगा, और बमडीला से बाईपास होते हुए आए थे ना, तो कोशिश करेंगे या तो अंदर से चले जाएं बमडीला से, ताकि बमडीला भी हम देख के चले जाएं। और ये यहाँ पे है हमारे साथ कृष्णा भाई। ओ भाई किधर चले गए? ये है कृष्णा भाई, और इन जहाँ पे मैंने स्टे किया था ना रात को, तो वो ऊपर है, तो उनसे भी आपको मिलाता हूँ। और दो दिन मेरे यहाँ पे स्टे हुए, और जैसे मैंने सेलाब से गया था, सेला से मैं रिटर्न आया था, वो व्लॉग जो है ना अभी तक एडिट नहीं किया, इसलिए अपलोड नहीं हो रहा, क्योंकि बर्फ़ के अंदर मैंने चलाई थी ना गाड़ी, तो इंस्टा 360 के अंदर मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड किया था, और वो बर्फ़ में चलाने के बाद ना वो ऑन नहीं हो रहा है सही से, लेकिन चार्जिंग को लगा के ऑन करे तो ऑन हो रहा है, फिर चार्जिंग से निकालते ऑन ये चल नहीं रहा है, तो देखते उसका कुछ कर सकते हैं तो, या एक बार हम जाएंगे गर्मी वाले प्लेस में तो शायद वो काम करे सही से। अभी तो यहाँ से टाइम हो रहे 9 बज चुके हैं एग्जैक्टली ना, तो बिना टाइम वेस्ट करे यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि तेजपुर यहाँ से हमारे 200 किलोमीटर हैं, और कवर भी करना है, पहाड़ी इलाका भी है थोड़ा, तो बिना टाइम वेस्ट करे यहाँ से निकलते हैं। तो भाई ये है लुकनाथ भाई, जिनके यहाँ पे मैंने स्टे किया था, तो अभी इनको हम करते हैं बाय बाय, क्योंकि हमें भी यहाँ से निकलना होगा। थैंक यू लुकनाथ भाई मेरे लिए स्टे होस्ट करने के लिए, तो फिर मिलेंगे अगर आएंगे तो कभी ज़रूर। चलो ठीक है, मैं भी निकल जाता हूँ ना, टाइम हो चुका है। कृष्णा भाई बिस्मिल्लाह। चलो भाई। ओ सॉरी, उसको लगाया नहीं मैंने। कैसे वैसे नहीं, वो मत वो गिरेगा नहीं अभी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके ओके, जरूर जरूर मिलेंगे। ओके कृष्णा भाई, चलो भाई। तो भाई ये जो प्लेस है ना बहुत अंदर, ये डाउन में है, अभी एलिवेशन देखना ऊपर की तरफ। ये देखिए तगड़ा वाला एलिवेशन, पहले गियर पे ये स्कूटर यहाँ पे चढ़ती है ऊपर ना। भाई तगड़ी वाली भूख लगी है। बमडीला जो है ना यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर से, रात को यहाँ पे हमको खिलाया मच्छी, एंड बहुत ही बढ़िया बनाया थे टेस्ट। बमडीला में जाके जो है ना हम ब्रेकफास्ट करेंगे, या अगर होता है तो उससे पहले भी कर लेंगे कहीं पे अगर। आज थोड़ा ना ये है, धूप निकली हुई है तो उतनी ठंड नहीं है, और जिस दिन मैं यहाँ पे आया था ना उस दिन बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, और दूसरे दिन जैसे वहाँ पे स्नोफॉल हुई यहाँ पे बारिश हो गई थी, और तब भी ठंड ज़्यादा ही थी। तो भाई दिरंग से हम बाहर आ चुके हैं, और अभी बमडीला जो है ना यहाँ से 36 किलोमीटर है, बमडीला में जाके जो है ना फ्यूल अप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मोबिल, यहाँ पे इंजन ऑयल को जो है ना मोबिल बोलते हैं ज़्यादा करके, और मोबिल इंजन ऑयल था उनके पास लेकिन वो दे नहीं रही थी, पता नहीं क्या रीज़न था, और मेरे पास उतना फ्यूल है कि मैं बमडीला तक जा सकता हूँ, वरना मुझे फिर से जो है ना 5 किलोमीटर अंदर फिर से सिटी में जाना पड़ता, इसलिए मैंने प्रेफर किया कि बमडीला ही जाते, बमडीला में जाके जो है ना फ्यूल अप करेंगे, और एक्स्ट्रा फ्यूल भी मेरे पास है, मेन जो है ना मेरे पास ये नहीं है, 2040 ऑयल नहीं है जो कि मैं पेट्रोल के साथ डालने के लिए, और अगर मैं पेट्रोल के साथ नहीं डालूंगा तो शायद मेरी इंजन जो है ना सीज हो जाएगी,
और मैं इसको बहुत ही अच्छे से मेंटेन करते हुए आ रहा हूँ इंजन ऑयल को, ये पेट्रोल के साथ ऑयल डालने के लिए। अभी पूरा हम डाउन ही डाउन जा रहे हैं और सडनली फिर से जो ना एक चढ़ाई मिलेगी उसी में मुझे टाइम ज़्यादा लग जाएगा फिर से। बमडीला से लेके जो ना अभी तक पूरा डाउन ही डाउन है, तो आराम से जा रही स्कूटर भी। यहाँ से नीचे जब जा रहा था ना मैं दिरांग के लिए, तब यहाँ पे फॉग ही फॉग था, बहुत ज़्यादा फॉग था, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं। आज का वेदर जो है ना बहुत ही अच्छा है। मुझे भी बता रहे थे कि आज आप तवांग के लिए निकल जा सकते हो, लेकिन मुझे, मेरे पास टाइम जो है ना बहुत ही कम है, तो इसलिए जो है मैंने तवांग को स्किप करने का प्लान किया। नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे तो तवांग करेंगे, इस बार अभी हम जा रहे हैं, अभी तेजपुर की तरफ जा रहे हैं। तेजपुर से जो ना फिर जाएंगे दीमापुर, जो कि नागालैंड में आएगा, और नागालैंड को ये जो बॉर्डर्स ना टच करते हुए चले जाएंगे, जैसे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के अंदर एक दो दिन निकालेंगे, और फिर वहाँ से हम सीधा गुवाहाटी, और गुवाहाटी से जो ना सीधा एक ही दिन के अंदर हम लगा देंगे अपनी स्कूटर सिलीगुड़ी। उसके बाद में तो हमारा एक यूपी स्टेट एक बाकी रहेगा, फिर बाकी के जो ना ऑलमोस्ट पूरे स्टेट्स कवर हो चुके हैं, और साउथ के जो ना तीन स्टेट्स है, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, और उसका भी जो ना बॉर्डर ही बॉर्डर टच करेंगे, और कोशिश करेंगे जितना हो सके ना उतना जल्दी इसको, इस राइड को जो ना एंड करने की, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया इसमें। मैंने नॉर्थ में ज़्यादा टाइम मैंने नॉर्थ में निकाला है ना, जैसे लद्दाख और कश्मीर में जो ना मैंने ज़्यादा टाइम निकाला। तो राइट नाउ मैं बमडीला में हूँ, और मुझे 50 किलोमीटर कवर करने में जो है ना दो घंटे के करीब लग गए, क्योंकि थोड़ी चढ़ाई थी इसलिए, और यहाँ से अभी पूरी डाउन जाना है। उसके बाद में भी एक जगह पे मुझे पास मिलेगा जहाँ पे फॉग मुझे बहुत मिले था जाते हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी फॉग मिलेगा क्योंकि वेदर आज का अच्छा है ना। और यहाँ पर हमने फ्यूल भी डाल दिया अपने स्कूटर पर, तो अब तो तेजपुर जाने तक कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आराम से हम पहुँच जाएँगे तेजपुर। यहाँ से जो है ना अभी चढ़ाई हो जाती है, जैसे फॉग मिला था ना मुझे जाते हुए यहाँ से, वही वाला सीन होगा यहाँ पे, कि यहाँ पे वो टावर दिख रहा है ना उसके ऊपर जाना है यहाँ से घूमते हुए, और यहाँ पे देखना एक आई थिंक ये कुछ टेंपल रहेगा जो कि पहाड़ी के ऊपर बना है, और दिखने में ना बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर ड्रोन भी उड़ाया था, लेकिन वो शॉट सही से नहीं आया था, तो एक बार फिर से रुक के जो है ड्रोन उड़ा देंगे। बढ़िया शॉट आएगा ना। सामने का मौसम देखिए बहुत ख़राब है अभी, सामने का मौसम, शायद मुझे यहाँ पे रुके ड्रोन नहीं उड़ाना है अभी, क्योंकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर मैं निकलूँ ना तो मेरे लिए अच्छा है, तो भाई यहाँ पे रुकते नहीं बस निकल जाते हैं ना। और यहाँ पे मैं लास्ट टाइम जाते हुए भी मैंने ड्रोन फ्लाई किया था, लेकिन उतना अच्छा बढ़िया शॉट नहीं है, लेकिन इस बार जो है हल्की हल्की बारिश आ रही थी, फिर भी सोचा कि यार आए तो उड़ा ही लेते हैं। मैं वहाँ से नीचे से ऊपर तक आया, बोला यार नहीं चाहिए बारिश के अंदर, फिर कुछ दिक्कत हो जाएगी ड्रोन में। फिर जब यहाँ पे ऊपर आया तो हल्की सी कम लाइटली बारिश हो रही थी, फिर ऐसा लगा कि फिर दोबारा तो यहाँ पे आने का मौका मिले या ना मिले पता नहीं, इसलिए मैंने ड्रोन उड़ा ही लिया। आखिर आपको ड्रोन व्यू भी दिखाऊँगा मैं, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना भाई ड्रोन व्यू। और अभी तेजपुर जो है यहाँ से तकरीबन 120 समथिंग किलोमीटर होगा, ज़्यादा दूर नहीं है, यही यस 111 किलोमीटर है यहाँ से तेजपुर। और जब मैं आ रहा था ना तब भी जो है ना यहाँ से ये पास जो है एक है सामने,
और यहाँ से अभी चढ़ाई करते हुए हमें ऊपर जाना है ना, और यहाँ पे ही मुझे ज़्यादा फॉग मिला था, लेकिन अभी तो उतना दिख नहीं रहा है फॉग सब। वेदर थोड़ा बहुत जो ना अच्छा है ना अभी का। चढ़ाई रे, टावर के ऊपर तक भी चढ़ाई है ना यहाँ पे। अभी ये व्यू देखिए एक बार यहाँ से, बढ़िया है भाई। ये एक टनल है ना यहाँ पे बीच में, वरना ये और भी लंबा ऊपर से पहाड़ी से होता हुआ जाना पड़ता था। ये टनल बनने की वजह से थोड़ा रास्ता जो है ना छोटा हो जाता है और चढ़ाई भी थोड़ी कम हो जाती है। जाते हुए ना इस टनल के अंदर फॉग ही फॉग था, लेकिन अभी उतना फॉग बिल्कुल ना के बराबर है भाई फॉग। ये देखिए अब यहाँ से पूरा डाउन है हमें, कुछ भी फॉग नहीं है यहाँ पे ना, कुछ भी नहीं है। बहुत जल्दी हमने कवर कर लिया भाई, 1:04 हो चुके अभी, और 100 के कुछ 4 बजे करीब हम पहुंच जाएंगे तेजपुर ना आराम से। अगर मैं रुकूंगा कहीं पे तो टाइम लग सकता है, अगर नहीं रुकता तो आराम से पहुंच जाऊंगा, क्योंकि यहां से ज़्यादा किलोमीटर नहीं है तेजपुर अब। तो भाई अभी जो ना मैं टीपू या टीपी कुछ है इस प्लेस का नाम, तो अभी मैं यहाँ पे हूँ और एक रूम है यहाँ पे एक दोस्त का, तो यहाँ पे मैं स्टे अभी हूँ। प्लान अभी तक पक्का नहीं हुआ है कि यहाँ पे मैं स्टे करूँगा, यहाँ से आगे निकलूँगा। मेरा प्लान था कि आज तेजपुर हम जाएंगे, लेकिन बीच में एक हमारे भाई मिले जिन्होंने मुझे इंस्टा थ्रू फॉलो करते थे, और उन्होंने मेरी पूरी जर्नी देखी इंस्टा के अंदर, और उसने बताया कि ऐसा ऐसा मेरा रूम है, आप वहाँ पे स्टे कीजिए। मेरा प्लान ही नहीं था कि यहाँ पे स्टे करने का, मेरा प्लान था डायरेक्ट कि तेजपुर जाके मैं स्टे करूँगा। ये तेजपुर जो है यहाँ से 60 किलोमीटर्स होता है, और यहाँ पे जो है रुके, और मुझे भी ना मैं 2-3 दिन से ना नहाया नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जब दिरांग गया था तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। मैं बोला यार जब तेजपुर जाएंगे तो उसके बाद में हम नहाएंगे, और अभी जब आ रहा था तो उन्होंने कहा यार अगर नहीं रुकना है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे जाके जो ना फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होके जो ना आपका देखो, अगर रुकना है तो रुक जाओ कोई दिक्कत नहीं है, वरना जो ना आप फ्रेश होके यहाँ से चले जाओ, ऐसे उन्होंने कहा। और मैं बोला ये तो सही है, देखते हैं वहाँ पे जाके फ्रेश होने के लिए। अभी जो ना टाइम हो रहा है 3:19, और मैं यहाँ पे करीब 2:50 के करीब यहाँ पे आया था, तो अभी जैकेट वैकेट निकालो फटाफट से फ्रेश होते, उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि आज यहाँ पे रुकना है, यहाँ से तेजपुर के लिए आगे निकलना है, और वीडियो एडिटिंग भी करना है। कल का वीडियो जो ना मैंने एडिट नहीं किया, और इंस्टा 360 भी मेरा चल नहीं रहा था, और अभी मैंने देखा बीच में कि इस साइड आने में उतनी कोल्ड नहीं है, तो अभी ठंडा ठंडा पानी से भी नहाना होगा, यहाँ पे उतना कोल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं नहा सकते। तो इंस्टा 360 भी अंदर भी मैंने SD का ऑन करके देखा, तो इंस्टा 360 भी अपना अभी ऑन हो रहा है, तो SD कार्ड डाल के जो ना उसका डाटा निकाल के आज वीडियो एडिट करने का देखते, अगर यहाँ पे रुकना हुआ तो वीडियो एडिट करेंगे सब कुछ, और अब दोनों वीडियो एडिट करना होगा आज का भी और कल का भी, तो आराम से हो जाएगा, और 2-3 काम है वो भी करेंगे, और देखते हैं कैसा प्लान होता है, पहले फ्रेश होके आता हूँ ना। तो भाई अभी जो ना रात के हो रहे हैं 10 बजे, और आज का स्टे जो ना हमने TP में ही कर दिया है, नहा धो के जो ना फ्रेश होके मैंने अभी यहाँ पे डाटा जो है ना ये निकाल रहा था, तो ड्रोन से मैंने यहाँ पे स्टोरेज लिया, और यहाँ पे अभी भी जो ना पेन ड्राइव इसमें SSD में जो ना ट्रांसफ़र हो रहा है, डाटा कॉपी हो रहा है, और GoPro से भी निकाल दिया। और लेकिन जो कल का जो मेरा ये था ना, जो मैंने सेला टॉप के ऊपर गया था स्नो के, उसमें जो ना इंस्टा 360 के अंदर अभी भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन जितना पहले कल जब मैं आया था ना सेला टॉप से और देखा था उतना नहीं है, अभी थोड़ा ये हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंदर से ना फॉग जमा हुआ है शायद कैमरा के ऊपर, तो इसलिए जो ना ये हो रहा है, तो इसलिए उसको हम ऐसे ही साइड में रख दिया। तो आज जो है ना आज का व्लॉग एडिट करके जो ना मैं कल डालूंगा, और जो कल का जो वीडियो ये था ना व्लॉग नंबर 96, वो जो है ना मैं कुछ दिन के बाद डालूंगा, जैसे कैमरा मेरा सही हो जाएगा, उसका वीडियो निकाल के जो ना मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करके डालूंगा। तो इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं, आई होप कि दूसरी वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो करना लाइक, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं, तो मिलते हैं किसी बड़ी ऐसे वीडियो के अंदर।